हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू। प्लीज कंफर्म इन चैट बॉक्स ऑल डियर स्टूडेंट्स। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो वेलकम टू राणा एजुकेशन and today is the last day of 2021. Okay, so what is your new year resolution, all students? What is your new year resolution? Kya socha hai naye saal mein? Top IHM, that should be your resolution, isn't it? ओके, गुड, टू क्रैक द एग्जाम रेनु, एक्सीलेंट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास, बट बिफोर दैट जस्ट गिव मी अ मिनट। यू नो वी हैड फिनिश्ड सर्विस एप्टीट्यूड ऑन 29th ऑफ दिस मंथ। ओके, कल आई हैव गिवन यू क्लास टेस्ट। ओके, कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किया था और बहुत अच्छा स्कोर किया उन्होंने उसमें, और मुझे उसके मार्क्स भी भेजे थे। दो तीन बच्चों का नाम मुझे याद आ रहा है, आराध्या थी, रेनु थी शायद, एक आधा बच्चा कोई और था। ओके गाइस, जो भी आपको काम मिलता है ना, प्लीज उसको कर लिया करो, बिकॉज दैट विल पॉल स्किल्स। यू नो, जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है क्लास में, जैसे मैंने आपको सर्विस में समझाए, अब राहुल सर आज से आपको रीजनिंग का समझाएंगे। ओके, दे विल मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपको जो होमवर्क मिलता है, जो मैं आपको बोलता हूं कि आपको ये होमवर्क करना है, गाइस उसको कर लिया करो, बिकॉज दैट विल यू नो पॉलिश योर नॉलेज। एक्चुअली व्हाट एवर यू विल लर्न इन द क्लास, अभी आप क्लास में जो भी सीखेंगे, अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको उसके मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आपकी जो यू नो पकड़ है, वी कैन से, वो मजबूत हो जाएगी। ओके, तो मैंने कहा था कि कल आपने क्लास टेस्ट लगाने हैं। ओके, क्लास टेस्ट मैंने आपको दिया था, प्लस मैंने कहा था कि मॉक टेस्ट जो 2014 का एग्जाम है, उसका सर्विस एप्टीट्यूड आपने अटेम्प्ट करना था, और मुझे मार्क्स बताने थे, बट सिर्फ दो या तीन बच्चों ने ही मुझे मार्क्स बताए हैं, बाकी उन्होंने ही बताए हैं। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास। आज 31st ऑफ दिसंबर है, और आज से हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड, और एज पर टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल आज हम करेंगे अल्फाबेट एंड क्लासिफिकेशन। ओके, आज ये दो टॉपिक आपको राहुल सर समझाने वाले हैं, है ना? एंड जो भी आपका डाउट होगा आप सर से पूछ सकते हैं। ओके, मैं क्लास में ही रहूंगा, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको, मैं राहुल सर का आपको जरा इंट्रोडक्शन दे दूं। राहुल सर जो है वो ही इज मास्टर ऑफ कॉमर्स। ओके, उन्होंने एम कॉम किया है, और ही हैज 9 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। उनको 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और उसमें 7 years एज अ रीजनिंग गुरु। वी कैन सी हिज प्रोफाइल, रीजनिंग गुरु। ओके, सो राहुल सर, आर यू देयर? कैन वी स्टार्ट? यस सर, वी कैन स्टार्ट। ओके सर, तो मैं आपको राइट्स दे रहा हूँ सर। जी सर। ओके सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया सर, यू कैन स्टार्ट सर। गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर करने के लिए, और कहीं कुछ डाउट हो तो उसको पूछने के लिए। मैंने स्क्रीन शेयर की है, आप सभी स्क्रीन देख सकते हैं। गुड, देख सकते हैं। यस सर, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज के साथ। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज, जैसा कि हमको पता है, अल्फा सीरीज का मतलब जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उनकी ही बात होती है। टोटल अल्फाबेट हमारे पास होते हैं 26। अब अगर हम अल्फाबेट्स की बात करें तो सभी की एक अपनी प्लेस वैल्यू होती है। तो यहां पर ये प्लेस वैल्यू अगर हमारे पास है, हमें याद है, तो बहुत इजीली आप इन सभी की मदद से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो इसलिए आपको करना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्लेस वैल्यू को आपको याद कर लेना है, क्योंकि आने वाले कुछ टॉपिक्स हमारे आगे, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग होगा, उसमें भी इनकी यूजिंग यूज होता है। ठीक है, तो इन प्लेस वैल्यूज को अच्छे से याद कर लें।
दूसरी चीज आपको इसमें याद कर लेना है, इन सभी लेटर्स के ऑपोजिट। अब ये ऑपोजिट्स कैसे हम डिफाइन करेंगे, देखिए पहला लेटर आपका अल्फाबेट्स में ए होता है एंड लास्ट इज, तो ये दूसरे के ऑपोजिट हुए। एंड सिमिलर बी का ऑपोजिट हो गया वाई, सी का ऑपोजिट हो गया एक्स एंड सो ऑन। ये चीजें आपका छोटा सा एक होमवर्क समझिए आपके लिए, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। सभी को आवाज मिल रही है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं भाई आप लोग, बताइएगा जल्दी से। यस गुड गुड, अगर बैकग्राउंड में आपके डिस्टरबेंस है तो अपने को म्यूट रखिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन के आंसर करने के लिए आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। तो ये हम लोग क्वेश्चन की तरफ थोड़ा मूव करेंगे, कुछ क्वेश्चन समझेंगे। जैसे सीरीज में अगर हम बात करें तो हमारे अल्फाबेट्स के क्वेश्चन कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन को जब हम रन करते हैं, इन क्वेश्चन के सॉल्व करना है तो हमें देखना है 6C7 फिर 8FH 10 11J 14 15O 19। तो नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन मार्क कि नेक्स्ट क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम इनमें जो है पैटर्न को पकड़ेंगे कि पैटर्न चल क्या रहा है। तो हमने सबसे पहले तीन चीजें हैं, फर्स्ट नंबर, फिर अल्फाबेट और फिर एक और नंबर। तो वन बाय वन तीनों चीजों में हमें यहां पर पैटर्न को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है उनको कंपेयर कीजिए। तो सिक्स से देखिए एट हुआ है यानी कि प्लस टू हुआ है, एट से हुआ इलेवन यानी कि प्लस थ्री हुआ है, और इलेवन से हुआ फिफ्टीन यानी कि प्लस फोर हुआ है। आप देख सकते हो यहां पे जो नंबर्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, टू से थ्री, थ्री से फोर एंड नेक्स्ट वन कंफर्म है क्या होगा, प्लस फाइव। तो 15 प्लस 5 करते ही हमारा नेक्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो होगा 20। यहां पे आपको ऑप्शन भी साथ में दिया जाता है, तो ऑप्शन पे इसी को देखते चलेंगे जो हम वैल्यूज निकालते हैं। अगर मेरे नंबर 19 या 25 आता तो नेक्स्ट अल्फाबेट और नंबर को हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती इस ऑप्शन में, बट 20 है तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन बी और सी में कोई एक आंसर होगा, दोनों में ही 20 है। तो हम आगे फर्दर चेक करते हैं, ठीक है। सेकेंड अल्फाबेट में आप देखोगे तो बिल्कुल सब में यू ही दिया हुआ है इन दोनों ऑप्शंस में, तो अल्फाबेट को आप यहां अवॉइड भी कर सकते हो चेक करने के केस में, बट फिलहाल हम सभी को चेक करेंगे। तो यहां पे प्लेस वैल्यू, वेरी गुड आराध्या का आंसर आ गया है बी, बहुत बढ़िया आराध्या, बहुत आराम से यहां पर हम चेक करते हैं। इसीलिए जब ऐसा कुछ केस होना सेकेंड लेटर अगर हमारा सेम हो गया तो फिर हम उसको चेक ही नहीं करेंगे, सीधे नंबर चेक कर लो। अब तो सेवन, सेवन से टेन यानी कि प्लस हुआ थ्री, टेन से आप चेक कीजिए 14 तो ये हुआ प्लस फोर, 14 से देखिए 19 तो ये हुआ प्लस फाइव, एंड 19 से अगर आप देखें नेक्स्ट तो वो हो जाएगा प्लस सिक्स। तो 19 प्लस सिक्स 25, नंबर्स हमें मिल गए 20 एंड 25, और ये ऑप्शन नंबर बी में है। हमने अल्फाबेट इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि अल्फाबेट में हमको पता है सभी में ऑप्शन में यू ही दिखा है, तो उसको देख करके हमारा टाइम है उस तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो हमने उसको अवॉइड किया। लेकिन अगर हर ऑप्शन में अलग अलग दिखता तो हम अल्फाबेट भी चेक करते, और अल्फाबेट भी प्लेस वैल्यू की मदद से, सी होता है थ्री एंड एफ होता है सिक्स यानी कि प्लस थ्री हुआ है, सिक्स से आप देखें जे टेन हो गया प्लस फोर हो गया है, टेन से ओ फिफ्टीन हो गया यानी प्लस फाइव हुआ है, तो ओ से जब नेक्स्ट हम देखेंगे तो वहां होगा प्लस सिक्स, O होता है 15 एंड 6 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 21, जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे U की। तो यहां आंसर सही होगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखें हम नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, देखें Q, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वहां पे दिया हुआ है P3C R5 F T8 I V12 L। तो नेक्स्ट क्या होगा, चलिए बताने की कोशिश करें सब लोग अपने हिसाब से जल्दी से। पहले यहां पर सेम तरीके से इसमें भी लॉजिक लगाना है, और आपका आंसर क्या आ रहा है जल्दी से मुझे बताएंगे। आराध्या, सेजल, रेनु, रेहान, आंसर जल्दी बताइए। आदित्य,
सबसे पहले नंबर को देखा करो। सेजल का आंसर आया ए, सेजल ने ए बोला है। और कोई आंसर बोलेगा अपना? चलिए देखते हैं यहां पे आंसर, शायद नहीं पकड़ पाए। आराध्या का आंसर आया है डी। देखिए सबसे पहले आप नंबर चेक किया कीजिए हमेशा। सैफ का भी आ गया है डी, नंबर चेक किया। 3 से 5 प्लस 2 हुआ है, 5 से 8 प्लस 3 हुआ है, 8 से 12 प्लस 4 हुआ है, तो नेक्स्ट शुड बी +5। तो 12 प्लस 5 करते ही नंबर मस्ट बी 17। तो ए तो वहां पे गलत हो गया। अब अल्फाबेट में चेक करें तो जिनको प्लेस वैल्यू याद होगी वो बहुत आसानी से चेक करेंगे, जिन्हें नहीं याद है उनके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा प्लेस वैल्यू की मदद से। तो देखिए यहां पर 3, 6, 9, 12 मतलब +3 का केस चल रहा है, तो अगला हो जाएगा 15 यानी कि ओ, यानी ऑप्शन बी भी खत्म हो गया। जो जो ऑप्शन हमारे मैच नहीं करेंगे उनको हम तुरंत एलिमिनेट करते चलेंगे। फिर P16, R18 प्लस 2 हुआ है, T20 अगेन प्लस 2, V22 अगेन प्लस 2, तो नेक्स्ट +2 के बाद 24 यानी ऑप्शन इज X। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 17X17O। क्लियर हुआ है यहां पर? रेहान, रेनु, सेजल जल्दी से रिप्लाई करें, क्लियर हुआ आपको? यस यस, वेरी गुड। तो चलिए देखिए यहां पर लॉजिक थोड़ा सा मैंने इसके रिगार्डिंग रखा है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लॉजिक रखा है। देखिए पहले में आपका देखिए साफ दिखा था, 6 से हमारा 8 प्लस 2 हुआ, 8 से हुआ 11 प्लस 3, 11 से 15 प्लस 4, तो नेक्स्ट विल बी +5 एंड सो ऑन। सभी के मैंने लॉजिक यहाँ पे देखिए इसमें फिलहाल पुट किए हुए हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें इसमें दोनों ही क्वेश्चन के। फिलहाल आप तो समझ चुके हैं तो ऑप्शन की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से रहता है। इसमें क्या देता है हमसे क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन ने कहा है नीचे जो ऑप्शन दिया है इनमें आपको बताना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म। ध्यान रखिएगा दो चीजें होती हैं, कहीं पे कैन बी फॉर्म्ड होता है, कहीं पे कैन नॉट बी फॉर्म्ड होता है। तो कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड, जो गिवन वर्ड है इन लेटर इस गिवन वर्ड के लेटर्स का यूज करके इनमें से कौन सा नहीं बना सकते। आराध्य का आंसर आया है ऑप्शन डी, माइंड नहीं बना सकते। क्यों रेहान, तुम्हारे हिसाब से कौन सा नहीं बना सकते जल्दी बताइएगा। सैफ का भी कहना है 3rd 1 नहीं बना सकते। रेनु भी सी कह रहे हैं, बिल्कुल बेटा यहां पे माइंड नहीं बना सकते बिकॉज डी यहां पर एक लेटर है जो हमारे इस वर्ड के अंदर गिवन नहीं है, इसलिए हम माइंड नहीं बना सकते, बाकी सभी बना सकते हैं। तो बस हमको रिलेट कर लेना है जल्दी जल्दी कि कौन सा लेटर इसमें मौजूद है कौन सा नहीं। जो नहीं है लेटर बस वहीं से हमारा आंसर हमारे सामने। तो देखिए इसका आंसर आपको पता है ऑप्शन होगा डी नहीं है, इसलिए आंसर होगा इसमें माइंड। तो अगला वर्ड देखिए अब फिर से आ गया है, अगेन आपको दिया कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा इनमें से नहीं बना सकते, तो जल्दी से इसको चेक करेंगे और इसमें बताइए जल्दी से। इसके बाद अब मैं उम्मीद करता हूं यहां पर फिर से सी आना शुरू हो गया है आपका आंसर, सेजल, रेहान का आंसर, आराध्या का भी सी है, योग बोल रहे हैं नहीं बना सकते, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल यहां पर नहीं बनाने का कारण है के जो इस वर्ड के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहां बना नहीं सकते। गुड, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे अब हम यहां पर। तो आप सभी के सामने क्वेश्चन आ गया है और अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 4 वर्ड आपको दिया है और फिर से बोला है कैन नॉट बी फॉर्म, बट यहां पे आगे लिखा था 3 कैन नॉट बी फॉर्म। आपको ढूंढना है पॉइंट आउट वर्ड विच कैन बी फॉर्म,
मतलब अब की बार क्वेश्चन पलट दिया, अब कह रहा है कौन सा बना सकते हैं वो ढूंढना है रेनू। हाँ बिल्कुल, वी यहां पर लेटर है जो यहां नहीं है, इसका मतलब ये बन नहीं सकता, बट नहीं बनने वाले तो तीन है, तो मतलब हमारा आंसर है इस बार जो बन सकता है, क्वेश्चन बदल गया है, अब आंसर बोल रहे हैं चीयर बनाया जा सकता है। बिल्कुल, वेरी गुड, आंसर चीयर बना सकते हैं, सी एच ई ई आर, बहुत आसानी से इस वर्ड को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पर इसीलिए कहा क्वेश्चन में दो चीजें आती हैं, एक कैन बी फॉर्म और एक कैन नॉट बी फॉर्म, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली में इसने कैन नॉट बी लिखा है फॉर्म के साथ साथ और कैन बी लिखा है, और पहले हमारा ध्यान कैन नॉट पे गया, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा और गलती हो गई, पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही हमेशा आंसर इसमें ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक और वर्ड आ गया और अब की बार क्या कह रहा है, सेलेक्ट द वन विच कैन बी फॉर्म, कौन सा बना सकते हैं, तो चलिए जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा आप इसमें बना सकते हैं। चलिए जल्दी कीजिए, बताइएगा जल्दी से कौन सा बना सकते हैं। तीन, तीसरा डी, रेनू का कहना है डी रिमाइंडर, सेजल का कहना है डी, सी थ्री है ऑप्शन, ओके, मेडिको आराध्य कह रहे हैं रिमाइंडर। चलिए चेक करेंगे कौन सा बना सकते हैं, तो यहाँ पे कैन बी फॉर्म पूछा था, अगर हम बेटा रिमाइंडर में देखें तो हमारे पास दो आर हैं और हमारे पास दिए गए वर्ड में यहाँ पर सिर्फ सिंगल आर है, That's why reminder नहीं बन सकता, ये confirm हुआ। हमारे पास S नहीं है word के अंदर तो medicates भी नहीं बन सकता। अब communicate करने के लिए double C चाहिए और यहाँ single C है तो communicate भी नहीं बन सकता, इसका मतलब यहाँ पर हमारा answer हुआ medico, medico यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन का टाइप देखिए बदल गया है, क्वेश्चन एक नए टाइप का सामने आया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले क्वेश्चन की वर्डिंग को ध्यान दें, इसने बोला है गिवन वर्ड्स को करेक्ट सीक्वेंस में, और वे कैसे सीक्वेंस में, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने में आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम होगी, भाई डिक्शनरी में हम जब वर्ड ढूंढते हैं तो कौन सा वर्ड पहले आएगा कौन सा वर्ड बाद में आएगा ये तो बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं या नहीं, बिल्कुल ढूंढ लेते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन बिल्कुल बहुत आसान है। तो ऑप्शन यहां पर सैफ का कहना है सर ऑप्शन नंबर 4 होगा, पहले वर्ड आएगा हार्ड फिर हैवी एंड फिर इस तरह से आपके सभी वर्ड इसमें देखने हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सभी का कहना है, वेरी गुड। देखिए सभी में ऐसे वर्ड्स में हमेशा पहले दो या तीन लेटर्स जनरली सेम रहेंगे, हमें उसके बाद के लेटर्स को ऑर्डर में अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, बस वही हमारा आंसर है। तो हमने देखा सभी में फर्स्ट टू लेटर्स एच ई सब में सेम है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, देन ए एन ए एन डी, तो पहले ए आएगा तो ए वन और थ्री में है, देन उसके बाद फोर्थ लेटर आर एंड वी में पहले आर आएगा फिर वी आएगा, ध्यान रखिए मैंने बताया था ऑप्शंस मैच करते चलेंगे ताकि पूरे लास्ट तक हमें कंटिन्यू करने की जरूरत ना पड़े। तो फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद देखें तो एन एन के बाद डी, यानी कि ऑफ फिफ्थ वाला थर्ड नंबर पे हो जाएगा और यहीं से हमें आंसर में साफ दिख गया कि ऐसा कोई ऑप्शन वन थ्री और फाइव में हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मतलब वही हमारा फाइनल आंसर। बट अगर हम आगे करना चाहें तो बहुत आसानी से एन के बाद यहां आर है यहां सी है तो मतलब फोर्थ पे आपका सी एंड देन आपका आर, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट देखिए आंसर है और ये क्वेश्चन देखिए फिर से
आया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग है। इस बार डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज नहीं करना है, अब की बार अरेंज करना है मीनिंगफुल ऑर्डर में, मतलब इनमें आपका क्या ऑर्डर बनेगा, क्या किसके बाद आता है, उसको देखते हुए सही आंसर को मार्क करना है। क्या किसके बाद आएगा जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले क्या मिलता है हमें, सेटिस्फाइड होते हैं, इंक्वायरी करते हैं, प्रॉब्लम आती है, सॉल्यूशन मिलता है, या ऑफिस में जाते हैं सबसे पहले। आदित्य कहना है थर्ड वाला होगा सर आंसर, मतलब सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को लेके हम ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में जाकर हम इंक्वायरी करेंगे, जहां से सॉल्यूशन मिलते ही हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर है आदित्य आपका, बिल्कुल वेरी गुड, सबको समझ में आने लगा ये बहुत अच्छे से। देखिए हम ऑफिस में कब जाएंगे, जब प्रॉब्लम होगी, इंक्वायरी कहां करोगे, ऑफिस के अंदर, और सॉल्यूशन मिलने पे ही हम सेटिस्फाइड होते हैं, और सॉल्यूशन मिलेगा प्रॉब्लम का, तो मतलब प्रॉब्लम होगी तो हम ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में जाके उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग इंक्वायरी करेंगे, फिर वहां से हमें सॉल्यूशन मिला और उसको लेकर हम फिर सेटिस्फाई हुए। इसको ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि आपके अकाउंट से कभी अगर पैसे कट गए और हमें पता नहीं चला कि पैसे कटे क्यों, तो हम क्या करते हैं, तुरंत बैंक पहुंचते हैं पता करने की एक्चुअली में पैसे क्यों कटे, हमें प्रॉब्लम हुई पैसे कटने से, हम पहुंचे ऑफिस, बैंक मतलब यहां पर हुआ ऑफिस मतलब बैंक हुआ, पहुंचे हमने वहां पे पहुंच के इंक्वायरी की, उन्होंने हमें इसका रीजन या सॉल्यूशन दिया, अगर गलत कटे हैं तो रिफंड के रिगार्डिंग उन्होंने क्वेरी इंक्रेज की रेस कर दी गई, और अगर सही है तो इंफॉर्मेशन दी गई, और उसके साथ ही हम सेटिस्फाइड होकर वापस आते हैं। अगला सवाल चलिए देखिए जल्दी से, इस बार फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा अरेंजमेंट का ही है, बट फिर से मीनिंगफुल ऑर्डर में ही अरेंज करना है, तो जल्दी से अरेंज करेंगे यहां पर क्वेश्चन को हम। कैश बॉय मार्क टैटो एंड आलू चाट, आई थिंक इसका आंसर सबको बहुत अच्छे से पता है, और मुझे बहुत जल्दी आंसर मिलना शुरू भी हो गया है। नंबर थ्री यहां सभी का आंसर आ गया है, नंबर थ्री आदित्य और आराध्या दे चुके हैं, आगे कौन देने वाला है, सैफ का आया, रेहान का आया, रेनू, सेजल आप पीछे कैसे रह गए, रेनू का भी आ गया है और सेजल का भी आ गया है, वेरी गुड। तो यहां पर चलिए देखें यहां पर आंसर, अब बहुत सिंपल, बहुत ही सीधे सीधे आंसर, बहुत ही क्लियर हमको पता है, अगर आलू चाट इज द फाइनल थिंग वो तो लास्ट में आएगा, और उसके लिए हमें चाहिए पोटैटो, पोटैटो मिलेगा हमारे मार्केट में, और पोटैटो को जब तक हम बॉईल करके मैश नहीं करेंगे चाट बना नहीं सकते, इसका मतलब सबसे पहले हमें जाना होगा मार्केट, वहां से लाएंगे आलू, आलू लाके उसे मैश करने से पहले बॉईल करना जरूरी है, तो बॉईल करने के बाद मैश करोगे और फिर फाइनल आलू चाट बनेगा, और उसके बाद अगर सिक्स पॉइंट होता तो वो क्या होता, खा लोगे। चलिए अगला केस देखें यहां पर, तो अगला केस आ गया है रिजल्ट, रिटन एग्जाम, एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू एंड देन सिलेक्शन, इसको भी लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो कौन सा पहले कौन सा उसके बाद, कौन कैसे क्या होगा। एग्जाम के रिगार्डिंग सबको पता है कौन सा पहले आता है, वन यहां पे आंसर आना शुरू हो गया है, ऑप्शन वन सभी का आंसर आना शुरू हो गया है, वन बाय वन वन, सेजल ने टू बोला है, सेजल ने टू कह दिया है, बाकी सभी वन कह रहे हैं। चलिए सेजल ने यहां पर वन और टू में डिफरेंस इज टू और थ्री, यानी पहले सेजल ने कहा रिटन एग्जाम और फिर एडवर्टीजमेंट। सेजल पहले आपके एग्जाम के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी रिटन एग्जाम के लिए, सबसे पहले पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है, अभी हमारे जो घर में नॉर्मल पेपर आता है उसमें नहीं आता, रोजगार समाचार एक पेपर है,
जिसमें हमारे इंडिया के किसी भी तरह की कोई वैकेंसी आएगी तो उसकी इंफॉर्मेशन उसमें पहले एज एडवर्टीजमेंट दी जाती है, उसके बाद उस पर हम रिटन एग्जाम कराएंगे, रिटन एग्जाम के बाद हम इंटरव्यू कराएंगे, और इंटरव्यू के बाद रिजल्ट होगा तो फिर सिलेक्शन आ जाएगा आपका होता है। तो यानी आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर वन, पहले तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा। अच्छा हाँ, रिटर्न तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इंटरव्यू का रिजल्ट, ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, इंटरव्यू और रिजल्ट आगे पीछे हो गए। वैसे तो पहले हमें इंटरव्यू पहले आना चाहिए था, रिजल्ट पहले आना चाहिए था, इंटरव्यू रिजल्ट उसके बाद आता, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो इंटरव्यू रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट लेके फिर इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू का रिजल्ट दोबारा हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन के रिगार्डिंग देखेंगे हम आंसर, तो हमारा आंसर होगा पहला ऑप्शन। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप देख सकते हैं यहां पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। ये सीरीज होती है, सीरीज इसमें जो अल्फाबेट्स की होती है वो जनरली दो तरह की होती है, या तो इंक्रीज हो रही होगी सीरीज या तो रिपीट हो रही होगी सीरीज। अब अगर सीरीज इंक्रीज हो रही है या रिपीट हो रही है, इसका यहां कुछ कंफर्मेशन एकदम से देख के नहीं बता सकते आप। चलिए वेरी गुड, आदित्य का आंसर भी आ गया है वन, वेरी गुड आदित्य। देखो यहां पर सबसे पहला काम जो करोगे आप, हमें यहां पर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स विद उनके जो ब्लैंक है काउंट कर लीजिए कितने हैं। यहाँ पे सैफ का आंसर ऑप्शन थ्री आ गया है, अलग अलग आंसर आए दोनों के, पहले काउंट करें कितने हैं। तुमने काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल यहां पर है 12। तो 12 का हम करेंगे यहां पर फैक्टर्स, तो 12 के फैक्टर्स अगर देखें, बहुत छोटे में नहीं जाना है, बड़े बड़े एक नियर बाय फैक्टर्स देखें, तो नियर बाय फैक्टर्स 4 into 3। अब इन्हें आपको बांटना है चार चार के तीन पेयर या तीन तीन के चार पेयर, और बस वहीं से हमारा आंसर हमें मिलेगा। तो पहले बड़े से शुरू करते हैं, चार चार के तीन पेयर बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। लेकिन जैसे ही हम इसमें देखते हैं, हमें यहां पर दिखता है कि तीन ये चार चार के जो तीन पेयर हमने बना तो रखे हैं, लेकिन इसमें कोई लिंक प्रॉपर बैठता हुआ नहीं मिल रहा, तो ये कोई हमारा सीरीज सही नहीं थी। तो अब तीन तीन के चार पेयर बनाएंगे, यहां पे सबके आंसर, सबने मिला जुला के आंसर दे दिया, किसी ने वन, किसी ने टू, किसी ने थ्री और किसी ने फोर भी दिया है, नहीं फोर ही बचा रह गया, बाकी सारे आंसर आप सभी ने बांट लिए। तो चलिए अब 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और हमने इसे बांट लिया। अब देखिए सीरीज में क्या रखना है वो आपस में जरा चेक करोगे तो एक दूसरे में ही इसने बता दिया है, ये रिपीटिंग सीरीज है। देखिए M-N और फोर्थ वाला पार्ट भी M-N है, और थर्ड वाले पार्ट में सेंटर में N है, फर्स्ट और थर्ड ब्लैंक है, तो बस इन्हें आपस में मिला दीजिए, सभी में सेकेंड नंबर पर N आ जाएगा, और इस थर्ड वाले केस में M और N आएगा, जो ब्लैंक में लिखा उसको अलग कर लीजिए, वही हमारा आंसर है। आंसर इज N, N, M और फिर से डबल N, यानी ऑप्शन नंबर टू इज योर आंसर। यानी आंसर करने के लिए सबसे पहले काउंट करेंगे कितने हैं, काउंट करके उनके फैक्टर्स देखेंगे और फैक्टर्स की मदद से उन्हें डिवाइड कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा ये इंक्रीजिंग है या फिर रिपीटिंग है। रिपीटिंग में मिला आराम से हमने इसमें, मतलब जो भी है वो सब कुछ इसी के अंदर ऑलरेडी मौजूद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे आपने सबके सामने आ गया है, इसमें भी जल्दी से काउंट करते हैं और फिर देखते हैं कितने होंगे। काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल यहां पर 20 अल्फाबेट्स का यूज किया गया है, तो 20 अल्फाबेट्स यानी कि अगर हम इसको रिलेट करें तो ये हो जाएगा 4 into 5।
तो चार चार के पांच में या पांच पांच के चार में किस में डिवाइड करना चाहिए? बड़े से देखते हैं तो पांच पांच के चार में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक दो तीन चार पांच, और वहीं से मैं देख रहा हूं पहला ए इधर बी, देखते हैं एक दो तीन चार पांच, इधर सी एक दो तीन चार पांच। लेकिन अगला अगर ए से शुरू होता तो मेरा पांच वाला केस सही हो जाता, बट नहीं हुआ। इसका मतलब ये पांच पांच में नहीं, ये चार चार में ही बट सकते हैं। तो चार में बटेंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और फिर से चार में जैसे बटा, देखिए अब आंसर आई थिंक समझ में आ गया क्या सीरीज चल रही है और कौन सा सही आंसर होगा। सबको आई थिंक थोड़ा सा हिंट मिल चुका है, मिल गया है या नहीं हिंट? बोले आराध्या, नहीं मिला, सैफ का कहना है कोई बात नहीं। देखो हिंट, देखिए यहां पर जो ब्रेक किया है इसमें, देखिए इस पहले वाले पार्ट में अगर ध्यान से देखें तो यहां पर डबल ए दिया हुआ है, और इस थर्ड वाले पार्ट में देखिए डबल सी दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, इस बीच वाले में डबल बी करना चाहिए और इसमें सी। हिंट मिला? थर्ड आंसर आ गया, यहाँ पे समझ में आ गया, जल्दी से आ गया, वेरी गुड। और अब देखिए जब ए डबल बी डबल सी भी डबल हो गया, नेक्स्ट आदित्य का कहना है, फिर से समझा देते चलो। हमें यहाँ पे देखिए आदित्य कितना कंफर्म था कि 20 लेटर्स थे, तो 20 लेटर्स यानी कि 4 इंटू 5 में डिवाइड करना था। तो मैंने जैसे ही इसको 5 में डिवाइड किया, मेरा केस बना नहीं, मैंने 4 4 में डिवाइड किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैंने 4 4 में डिवाइड किया। एंड डिवाइड करने के बाद इनको आपस में रिलेट किया, तो मैं ये देख पा रहा हूं मेरा जो पहले वाला पार्ट था उसमें ए दो बार था, दूसरे वाले पार्ट में दो बार तो कोई नहीं है बट बीच में एक ब्लैंक है, तीसरे वाले पार्ट में सी दो बार आया है, चौथे वाले पार्ट में और पांचवे वाले पार्ट में भी कोई डबल नहीं है। तो देखिए पहले वाले पार्ट में अगर ए डबल है और तीसरे में सी डबल है, तो लॉजिक कहता है सेकंड वाले पार्ट में बी को डबल होना चाहिए, और ए बी सी ही तीन लेटर्स का यूज करते हुए रखा है, तो पहले वाले में सी को ही होना पड़ेगा। तो पहला सी और दूसरा बी, फिर तीसरे में देखिए सी डबल हो गया, फिर चौथे में आपका फिर रिपीट हो जाएगा पहले वाले के साथ, तो डबल ए आ जाएगा बी सी, एंड देन ए डबल बी और फिर सी। तो हमारा आंसर यहां पे बनता है सी बी ए बी, गुड। आदित्य को भी आ गया सी बी ए बी, वेरी गुड से आदित्य। तो अगला मैं सोचता हूं तुम सभी आंसर बहुत आसानी से कर लोगे, अब उम्मीद है आप सभी से। काउंटिंग करेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, यानी कि ये 3 × 5 के पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो चलिए तीन तीन के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और लास्ट में भी तीन। देखिए तीन में जब हमने डिवाइड किया तो एक जगह पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लास्ट वाले में दो बार सी, सभी में हम देख रहे थे ए सी ए बी बी सी, ऐसे ही लेटर्स हमें देख रहे थे, मतलब ए बी सी का एक कंटिन्यूटी हमें यहां बनाने की सोचे, लेकिन बन नहीं पाया, कोई बात नहीं। अब इस चीज को हम लोग फटाफट जल्दी से पांच के पार्ट में डिवाइड कीजिए, अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए पहला और सेकेंड में जो लेटर्स दिए हैं वो भी सेम आ गया, एंड उनके बीच के गैप भी सेम आ गए, एंड द थर्ड पार्ट में देखें तो जो यहां दिया है फर्स्ट एंड सेकेंड में वो वहां पर गैप है, और जो गैप था वो यहां दिया हुआ है, तो बस उन्हें रिलेट कर दें एक दूसरे में और फिल कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने। यानी कि देखिए पहला लेटर जो यहां पर होना चाहिए इस पहले पार्ट के हिसाब से इस थर्ड लेटर पार्ट में, तो वो होगा ए, रेनु का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया रेनु। और इधर ए, इधर हो जाएगा बी, इधर हो जाएगा सी, इधर हो जाएगा ए, और इधर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा जो भरा है उसको ऑप्शन में मैच कीजिए, क्या वो ऑप्शन में दिया है? तो मैंने देखा
ए सी ए बी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, और सेकेंड वाला हमारा इसमें आंसर होगा। वेरी गुड, सभी को क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, अब आगे हमारे पास क्लासिफिकेशन। मेडिकल में आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ है? जल्दी से रिप्लाई कर दें जो क्वेश्चन ने किया सभी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब देखिए हिंदी में लिखा हुआ है वर्गीकरण। यहां पर होता क्या है, यहां पे आपको चार वर्ड्स या नंबर्स या फिर अल्फाबेट्स का पेयर दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा इनमें जो है क्लासिफिकेशन, मतलब इनकी क्लास बनाइए और इनको एक ग्रुप में कन्वर्ट कीजिए। चार में से तीन एक ग्रुप बनाएंगे और सिमिलर हो जाएंगे, एक जो अलग होगा दैट इज ऑड। तो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलेंगे, वर्ड लिखा होता है, फाइंड द ऑड वन आउट, जो अलग है उसे छांटिए। तो दैट इज अलग को छांटने का काम नहीं करते हम, इसमें तीन को सिमिलर करते हैं, चौथा अपने आप अलग हो जाएगा। तो हमने यहां पे देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम में मोस्टली देखे गए हैं उसके रिगार्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चन, किस किस तरह के क्वेश्चन हमारे टॉपिक्स पे आते हैं एग्जाम में देखे गए हैं। तो पहला क्वांटिटी एंड यूनिट पे देखे गए हैं, वर्कर्स और उनके टूल्स पे देखे गए हैं, कॉज एंड इफेक्ट्स पे, वर्ड और उनके सिनोनिम्स, वैसे ही वर्ड और उनके एंटोनिम्स, कंट्री एंड कैपिटल, स्टेट एंड कैपिटल, करेंसी एंड कंट्री, एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। यंग वंस का मतलब हो गया यहां पर उनके बच्चे, जैसे गाय का बच्चा क्या कहलाता है, जल्दी बताएं, गाय का बच्चा कॉफ, बिल्कुल, वेरी गुड। गाय के बच्चे को हम बोलते हैं, तो यहां पर हमारा इस तरीके से एनिमल एंड देयर यंग वंस के तौर पर, मेल एंड फीमेल्स के तौर पर, एनिमल एंड देयर रेस्टिंग प्लेस। अच्छा ये मैंने गाय की बात की तो गाय रहती कहां है जरा वो भी बता दीजिए आप जल्दी से, उनकी रेस्टिंग प्लेस क्या है, कहां रहती है गाय? शेड में रहती है गाय। कहां रहती है गाय? शेड में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, और लास्ट वर्ड था हमारे पास गेम्स एंड यहां पर प्लेस ऑफ प्लेइंग लिखा हुआ है, मतलब कहां खेला जाता है, उनकी खेलने की जगह, और यहां पर प्लेस ऑफ प्लेइंग के साथ साथ नंबर ऑफ प्लेयर्स के पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए फटाफट क्वेश्चंस देखेंगे कुछ, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए क्या ही क्या रहा है, सिर्फ ये लास्ट लाइन चूज द ऑड वन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा एक बार पढ़ लें ध्यान से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मैंने आपसे कहा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर वर्ड हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन सम मैनर while the fourth one is different, then choose which one is different. Aradhya का कहना है answer is D, Aditya का कहना है answer is D. मुझे जल्दी से reason दे दें why all three are same and orange are different. बताइए जल्दी से Aradhya, बाकी तीन same क्यों है और ये orange अलग क्यों है? आदित्य बताओ बेटा, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो या टाइप करो जल्दी से। आराध्य मैंने आपको बोला था पहले बाकी तीन की सिमिलैरिटी करनी है, आप ऑरेंज को अलग कर रहे हो सीधे,
सिर्फ उसको अलग करने की कोशिश की जा रही है आपके द्वारा, अलग नहीं करना है, तीन की सिमिलैरिटी ढूंढना है। आप यहाँ पर तीन की सिमिलैरिटी कह सकते हो, पियर, गुआवा एंड एप्पल आर सॉलिड फ्रूट बट द ऑरेंज इज नॉट। ये एक पल्पी फ्रूट होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे रीजन, लॉजिकली रीजन देने होंगे जिससे इसको हम अलग करें। तुम्हार लोग के रीजन बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वैलिड रीजंस हैं, बट जो मेन चीज है यहां पर, तीन को हमें एक जैसा करना होगा ताकि फोर्थ वन क्या हो जाए, डिफरेंट, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमारे पास वर्ड आए हैं डेक, क्वे, स्टेम एंड बो। तो विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? बताइए फ्रॉम अदर। आदित्य का कहना है डी, बो। आई थिंक आदित्य आपने फिर से वही किया, सिमिलैरिटी ढूंढने के बजाय सीधे डिफरेंस ढूंढने की कोशिश की है। चलिए की कोशिश करें। अच्छा, यहां पर पहले इनकी मीनिंग कंफर्म कर लें कि ये होते क्या है, ताकि हम इसको आसानी से इनकी सिमिलैरिटीज ढूंढ सकें। फाइनल प्रोडक्ट बेटा, क्वे क्या है, स्टेम क्या है और डेक ये किस चीज के रॉ प्रोडक्ट्स हैं? चलिए, बो इज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो क्वे, डेक एंड स्टेम ये रॉ प्रोडक्ट हैं, किस चीज के हैं? चलिए कोई बात नहीं, यहां पे यही चीजें हमें से हमें क्या आता है, बार बार बोल रहा हूं, तीन को एक जैसा बनाओ। चलो देखो यहां पर जल्दी से चारों चीजों की सही मीनिंग, आपको डिफरेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। डेक जो हमारा शिप होता है उसका जो सामने का पार्ट होता है, ऊपरी का हिस्सा, उसे बोलते हैं डेक। स्टेम उसी शिप की चिमनी जहां से धुआं निकलता है, उसे कहते हैं स्टेम। और जो शिप में लंगर लगाया जाता है ना, दैट कॉल्ड बो। आप सभी ने देखा होगा शिप में कुछ इस टाइप का लंगर लगा होता है, यहाँ पे कुछ एंगल्स लगे होते हैं, देखा है, चेन से बंधा होता है, मूवीज वगैरह में देखा है शिप के साथ होता है इस तरीके से एंगल, देखा है ना, बिल्कुल एंगल बोलते हैं, बट शिप के केस में उसे बो कहा जाता है, ठीक है। तो क्वे, अब ये क्वे क्या बचा, क्वे द पार्किंग एरिया ऑफ अ शिप। यहां पे शिप को पार्क किया जाता है, यहां पर हमारा समझ में आया। डेक, स्टेम एंड बो, ये तीनों हमारे बोट के या शिप के पार्ट होते हैं, वहीं क्वे इज अ पार्किंग एरिया, एरिया को कहते हैं क्वे, जहां पे शिप को पार्क करते हैं, दैट्स व्हाई द आंसर इज क्वे, ठीक है। अब जल्दी से यहां पर आगे बढ़ने से पहले मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि टू व्हीलर्स को कहां पार्क करते हैं, टू व्हीलर्स हो जाए या फिर रोडवेज हो गए, ये रोडवेज को कहां पार्क करेंगे? टू व्हीलर, फोर व्हीलर एंड सो ऑन, रोडवेज के हम सीधे बोलेंगे, तो रोडवेज कहां पार्क करेंगे? जल्दी बताएं। पार्किंग एरिया क्या होगा? पार्किंग एरिया क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा पार्किंग एरिया?
गैराज। ट्रेन्स कहां पार्क करते हैं? इन्हें पार्क किया जाता है यार्ड में। ट्रेन पार्क होते हैं यार्ड में। और प्लेन्स कहां पार्क करते हैं? प्लेन्स कहां पार्क करते हैं? एयरपोर्ट बेटा इंसान जाता है, प्लेन तो एयरपोर्ट पे आता भी नहीं है सीजन, उसे कहते हैं हैंगर। क्या कहते हैं? हैंगर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीजें क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा के हमें दे दी जाती हैं बहुत बार, तो इनको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया यार। मस्टर्ड, अनियन, ऑलिव एंड सीसम, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? अनियन, आराध्या का कहना है अनियन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। आदित्य का कहना है बी, सैफ का कहना है बी, बिल्कुल अनियन इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर वंस, बिकॉज बाकी तीनों के हमें पता है ऑयल्स निकलते हैं बट अनियंस के ऑयल नहीं होते। आपको ये मत कह देना कि सर आजकल मार्केट में मामा अर्थ का अनियन ऑयल आ चुका है। बेटा अनियन ऑयल नहीं है, उसने ऑयल में अनियन को मिलाने की कोशिश की है, बट अनियन का ऑयल नहीं निकलता। मस्टर्ड का ऑयल होता है, ऑलिव का ऑयल होता है, बट सीसम का ऑयल होता है, बट अनियन का कोई भी नहीं होता। ठीक है, आगे तुम्हें कुकुम्बर एंड पोटैटो, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? यहां पर आंसर आया है सी, कुकुम्बर। आदित्य का कहना है पोटैटो। कुकुम्बर क्यों अलग है, खीरा या ककड़ी ये क्यों अलग है आदित्य? क्यों रेनू? सैफ बताइए बेटा। सेजल का कहना है टोमेटो अलग है। फिर से वही सवाल, तीन में क्या सिमिलैरिटी है जिससे चौथा अलग हुआ? बेटा हम उसको भी पका सकते हैं, उसकी भी सब्जी बनती है सैफ, उसकी भी सब्जी बनती है, एमपी में बहुत ज्यादा खाई जाती है इसकी भी सब्जी। अगर आप मध्य प्रदेश में जाते हैं तो वहां आपको इसकी भी सब्जियां अच्छे से मिल जाएंगी। रूट वेजिटेबल, कौन सा रूट वेजिटेबल? क्यों आ देते, क्या है रूट? टोमेटो, ब्रिंजल, कुकुम्बर या पोटैटो? नो, पोटैटो इज न रूट, इज नॉट अ रूट, नो इट इज अ स्टेम। पोटैटो स्टेम में आता है। पोटैटो रूट में आता ही नहीं बेटा, इन चारों में कोई भी रूट नहीं है। ठीक है, आपका टोमेटो, कुकुम्बर, ब्रिंजल आर फ्रूट्स फॉर अ प्लांट एंड पोटैटो इज स्टेम फॉर अ प्लांट। पोटैटो को स्टेम में काउंट करते हैं बेटा, किसमें काउंट करते हैं? स्टेम में। ये तना होता है हमारे पेड़ का, भले ही ये जमीन के अंदर है लेकिन इसे रूट नहीं, इसे स्टेम में रखा जाता है।
तो ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए, हल्दी, टर्मरिक, ये भी हमारा खेत में उगता है, पता है ना ये चीज, आम सब्जियों की तरह इसकी भी खेती होती है। यस सर। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, रूट है, स्टेम है, फ्रूट है, लीफ है, फ्लावर है, क्या है ये हल्दी? बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल, ये भी स्टेम ही है, वेरी गुड। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे स्टेम के भी फ्रूट्स हैं जो जमीन के अंदर होने के बाद भी उन्हें स्टेम में ही काउंट किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर से ध्यान रखिएगा, फिर से वही तीन में सिमिलैरिटी करेंगे, चौथा अपने आप अलग हो जाएगा। तो तीन की सिमिलैरिटी क्या है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, क्लोथ गारमेंट्स, लेदर फुटवियर, अर्दन पॉट्स एंड क्ले। डी, अर्दन पॉट एंड क्ले। बिल्कुल सही आंसर है यहां, अर्दन पॉट एंड क्ले। रीजन, यहां आपका रॉ मटेरियल दिया गया है एंड यहां फाइनल, क्या कह सकते हैं उसका प्रोडक्ट। गोल्ड से हम ऑर्नामेंट बनाते हैं, लेदर से हम फुटवियर बनाते हैं, क्लोथ मतलब थान वाला कपड़ा हो गया, गारमेंट जो पहनने के लिए तैयार है, तो क्लोथ से गारमेंट बनते हैं, क्ले इज रॉ मटेरियल एंड अर्दन पॉट जो है वो क्ले से बनता है, मतलब ये प्रोडक्ट हो गया, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। That's why यहाँ पे उल्टा हो गया, तो आंसर है डी, अर्दन पॉट्स एंड क्ले। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन कहता है, फिर से जल्दी बताइएगा, मैं पढ़ नहीं रहा। आदित्य कह रहे हैं नॉट वियरेबल, ओके, हाँ बिल्कुल, क्लोथ नॉट वियरेबल होता है, गारमेंट्स जो पहना जा सके। यहाँ पे आंसर सी आ गया है, टाइनी स्मॉल, टाइनी स्मॉल, नहीं बेटा, टाइनी स्मॉल नहीं। ध्यान दीजिएगा बेटा, ब्रॉड एंड वाइड आर सिमिलर वर्ड्स, टाइनी स्मॉल आर द सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स, बिग लार्ज आर सिनोनिम्स, बट लाइट एंड हैवी आर एंटोनिम्स, दैट वाई द आंसर इज लाइट हैवी। बार बार मैं बोल रहा हूं बेटा, फिर से बोल रहा हूं, तीन को सिमिलर कीजिए, चौथा अपने अलग हो जाएगा। ठीक, आदित्य ने अभी लास्ट क्वेश्चन के लिए यहां बोला कि अर्दन पॉटिंग क्ले इसलिए बिकॉज ऑफ उसको हम पहन नहीं सकते, वियरेबल नहीं है, बट इसलिए उसको अलग नहीं करेंगे बेटा, यहां पर हमारे पास साथ में सेमी कॉलन दिया हुआ है, मतलब इन दोनों का आपस में कुछ अलग ही केस देखना पड़ेगा। तो केस आपने, तो एक तरफ आपका रॉ मटेरियल है और उसके दूसरी तरफ आपका फाइनल मटेरियल, तो लेफ्ट में रॉ, राइट में फाइनल, बट फोर्थ में उल्टा हो गया, रॉ मटेरियल राइट में चला गया और फाइनल प्रोडक्ट लेफ्ट में, दैट्स व्हाई हमारा आंसर अर्दन पॉट्स एंड क्ले होगा। ठीक है आदित्य, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पेट्रोल, कार, गार्बेज, डस्टबिन, इंक पेन, लीड पेंसिल, कौन सा अलग होगा? लीड पेंसिल। रेनु, लीड पेंसिल क्यों, क्या है इसमें डिफरेंस, बाकी में ऐसा नहीं है जो इसमें है, ऐसा क्या है इसके पास? मोहम्मद सैफ का कहना है पेट्रोल कार, बताओ मोहम्मद सैफ क्या है प्रॉब्लम इसके साथ, ऐसा क्या है इसमें जो नहीं होना चाहिए हमारे पास, जो बाकियों के पास नहीं है?
बताओ रेनु, सैफ बताइए, सैजल बताओ बेटा, सैजल बताओ क्या दिक्कत है उसके साथ? आंसर दे रहे हो तुम लोग, कोई डी कोई ए, तो बताइए। लीड इज नॉट यूज विद पेन, तो पेन के साथ यूज नहीं कर सकते, तो पेंसिल लिखा बेटा, पेन तो वैसे भी नहीं लिखा। रेनू यहाँ पेंसिल लिखा है बेटा, पेन नहीं लिखा, पेन के साथ तो इंक लिखा है। चलिए मैं यहाँ पे इसका आंसर बता देता हूँ। क्या लिखा यहाँ पे आराध्या ने? ग्रेफाइट इज यूज इन पेंसिल, बेटा ग्रेफाइट जो यूज करते हैं उसी को जब पेंसिल में जाता है लीड कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है? ठीक है, ग्रेफाइट को ही लीड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको पेंसिल में रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर सिंपली तरीके से आंसर समझिए, बहुत सिंपल है। कार को रिफिल किससे करते हो आप? पेट्रोल। कार को रिफिल, रिफिल की बात करना बेटा यहाँ पर से, जल इंजन की बात नहीं करेंगे हम। कार को रिफिल करते हैं हम पेट्रोल से। पेन को रिफिल किससे किया जाता है? इंक से। डस्टबिन में क्या रिफिल करते हो आप? गार्बेज। लेकिन पेंसिल में आप लीड डालते नहीं है, वो बनते समय ही आती है, आप उसे रिफिल नहीं करते। एक बार आपने उसे बाहर निकाल ली, पेंसिल खत्म, आप उसे अब रिफिल नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहां पर हमारा आंसर है लीड, पेंसिल और रीजन। सभी को अच्छे से क्लियर हुआ है? गुड। चलिए हम लोग, बहुत बढ़िया, यस सर, गुड। अगला सवाल, कौन सा अलग है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बता दूं पहले ही, हिंट दे दूं, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कानपुर, आगरा, फतेहपुर एंड वाराणसी, तुम में से कितने लोग इन सिटीज को गए हैं कभी? कानपुर, आगरा, फतेहपुर या वाराणसी, कहाँ कहाँ गए हैं बेटा तुम लोग? गए हो कभी कहीं कि नहीं? इनमें से विजिट किया है कभी? मौका मिला आज तक? नहीं मौका मिला है अभी तक, नहीं नहीं। आदित्य का कहना है यस। कौन सा गए बेटा आदित्य? आगरा। सिर्फ आदित्य ने यस का, बाकी सबका नो है। वही लगा था, वही हो सकता है। चलो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं और ज्योग्राफी के हिसाब से सोचते हुए इसमें से कौन सा अलग होगा, थोड़ा सोच के बताइएगा। क्या लगता है तुम्हें कौन सा अलग होगा? विच डिफरेंट फ्रॉम अदर? कुछ लॉजिक ना मिल रहा हो तो जल्दी बता देना कि सर लॉजिक नहीं क्लियर हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहम्मद सैफ का कहना है सी, फतेहपुर, बाकी का कहना है नो आइडिया। सैफ बताइए जल्दी से अपना रीजन, आपने फतेहपुर को क्यों अलग किया? कहीं ऐसा तो नहीं दिमाग में फतेहपुर सीकरी चल रहा हो? क्यों सैफ? एक्सेप्ट दिस, ऑल आर द फेमस प्लेस। ऑल आर फेमस प्लेस, नहीं ये एक अच्छा रीजन नहीं है। मैंने पहले आपको ऑप्शन दिया था, रीजन दिया था, एक हिंट दिया था, क्या था? ज्योग्राफी। तो एज पर ज्योग्राफी अगर हम बात करें, कानपुर में हमारी रिवर की बात करें तो कौन सी आती है, आपको पता है किसी को? कानपुर में कौन सी रिवर है? चलिए कानपुर नहीं, वाराणसी तो पता ही होगा, कौन सी रिवर है? कौन सी रिवर है वाराणसी में? बिल्कुल गंगा। और आगरा में कौन सी है? यमुना। कानपुर में गंगा एंड फतेहपुर अगेन गंगा, इसलिए हमारा इनमें आंसर हो गया आगरा। आगरा इज डिफरेंट फ्रॉम
अदव. ठीक है, ये क्लियर हुआ आंसर आप सभी को? बिल्कुल, वेरी गुड. यस सर बिल्कुल वेरी गुड. देखिए ये पूरा ज्योग्राफी बेस्ड हमारा क्वेश्चन हो गया एक तरह से. कानपुर में कौन सी रिवर है, फतेहपुर में कौन सी रिवर है, अब वाराणसी में रिवर, और यमुना में रिवर. यमुना होती है कहां? आगरा में, इसलिए आगरा हमारा अलग हो गया. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक इसके बाद शुरू होगा वो आएगा एनालॉगी, और उसके बाद साथ ही हमारा टॉपिक नेक्स्ट होगा कोडिंग एंड डीकोडिंग, जैसा कि आपका नेक्स्ट क्लास का सिलेबस भी है, नेक्स्ट टॉपिक है. तो कोडिंग एनालॉगी एंड देन कोडिंग डीकोडिंग हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो आज आई होप आज की क्लास सभी को अच्छे समझ में आई होगी. यस सर. चलिए गुड, चलिए थैंक यू क्लास. थैंक यू राहुल. थैंक यू सर. राहुल सर आप मुझे होस्ट में दीजिए फिर से. सर आप होस्ट बन गए. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. अब नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी सर. जी सर, मंडे को. मंडे सेम टाइम सर. जी ओके सर. थैंक यू. मैं आपको कॉल करता हूँ इसके बाद सर. बिल्कुल सर. ओके सर. थैंक यू सर. ओके सर. थैंक यू. ओके बच्चा लोग, मजा आया? हाँ जी बच्चा लोग बताएं, मजा आया ना? सीखा कुछ? वेरी गुड. अब सुनिए आपका होमवर्क क्या है. ओके, ये तो हो गया हमारा आज का, दो टॉपिक कवर हो गए. ओके, कॉन्सेप्ट आपको सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया है. ओके, अब आपका होमवर्क क्या है आप यहाँ पे मेरे साथ देखिएगा, है ना, मैं आपको दिखाता हूँ. ओके, तो जो आपका कोर्स है आप वहां पे जाएंगे ना, जो जो आप जो आपने जिस कोर्स में आप एडेड हैं, है ना, आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं बहुत सारे. जो दो कॉन्सेप्ट आज सर ने समझाए हैं बहुत अच्छे से, है ना, इनके मॉक टेस्ट है बहुत सारे अवेलेबल. ओके, अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो कहाँ मिलेंगे. जैसे आपको सर्विस एप्टीट्यूड के मिलते थे, सेम वैसे ही आपको रीजनिंग के मिलेंगे. ओके, तो आपने क्या करना है, आप अपने कोर्स में जाएंगे. ओके, वहां पे आप कंटेंट में जाएंगे. ओके, कंटेंट में जाने के बाद आप जाएंगे रीजनिंग में. ओके, रीजनिंग में जाने के बाद आप जाएंगे मॉक टेस्ट में. ओके, और यहाँ पे देखेंगे अल्फाबेट टेस्ट लिखा है, फर्स्ट जो फोल्डर है, और सेकेंड फोल्डर है क्लासिफिकेशन. ओके, तो जैसे आप इसको खोलेंगे तो गाइज यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 मॉक टेस्ट हैं और एक एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस हैं. ओके, तो आपका होमवर्क क्या है, क्योंकि दो दिन की छुट्टी भी आ रही है ना, वीकेंड है आपके पास, कल और परसों कोई क्लास नहीं रहेगी आपकी एज पर टाइम टेबल. ओके, तो कल और परसों में आपने अल्फाबेट के 5 मॉक टेस्ट लगाने हैं. ओके, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस होने वाली है. और क्लासिफिकेशन के आपने 4 मॉक टेस्ट लगाने हैं. ऑलराइट, ये आपका होमवर्क है. इन मॉक टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन आपको अगर लगता है आपको नहीं समझ आता है, देन वो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वो मैं सर को फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वो क्लास में गाइस आपके डाउट जो है वो सॉल्व कर दिए जाएंगे. ऑलराइट, और सेकंड जो है वो बहुत से बच्चों ने बताया नहीं कि आपके क्या मार्क्स आए थे सर इन मॉक टेस्ट. सर्विस एम्प्लॉय क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 5 हैज 2 and 3 ऑप्शंस आर सेम. ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, आप मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं उसको देख के रेक्टिफाई कर दूंगा. ओके, और क्लास में आज जो भी सर ने आपको टॉपिक समझाए हैं उनके मॉक टेस्ट आपने लगाने हैं ताकि आपकी बहुत अच्छे से गाइस प्रैक्टिस हो सके. ओके, मार्क्स आपने नहीं बताए मुझे ना, बहुत कम बच्चों ने, आदित्य ने आई थिंक बताए, नहीं बताए, मोहम्मद सैफ ने नहीं बताए,
रेनू ने नहीं बताए, सैजल ने नहीं बताए। गाइज ये काम जो आपको मिलता है ना, प्लीज इसको किया करिए, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपकी पॉलिशिंग होगी। अब अभी अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे यस आई एम वेरी गुड इन अल्फाबेट एंड क्लासिफिकेशन, दैट्स गुड, ओके। बट आप जैसे इनके प्रैक्टिस करेंगे, इनके मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपकी और अच्छे से इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, ओके। तो एज पर टाइम टेबल अब हम मंडे को मिलेंगे, ओके, और मंडे को हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स, ओके। और कोई आपका डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्लस सर माय 38 क्वेश्चन आर राइट एंड 18, नो प्रॉब्लम रेनू, है ना। अभी तो जो भी आपके, क्योंकि अभी आपको सिर्फ 1 वीक हुआ है क्लासेस लगाते हुए, ओके, बट प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है आपने। जहां पे आपके 18 मार्क्स आए ना, उसी मॉक टेस्ट को आप दोबारा लगाइए, फिर से लगाइए, जब तक आपके उसमें 20 out of 20 नहीं आते हैं। आपने 2014 का जो सर्विस एप्टीट्यूड वाला पोर्शन अटेंड किया होगा, उसमें आपके आउट ऑफ 200 किसी के 135 मार्क्स आए, किसी के 160 आए, किसी के 180 आए। जब तक उसमें 200 out of 200 नहीं आते हैं, आप उस मॉक टेस्ट को लगाते रहिए, ओके। इससे आपकी जो गाइज प्रैक्टिस काफी अच्छे से होने वाली है और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ओके। प्लस गाइज अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, देन प्लीज अपने फ्रेंड्स में बताइए, ओके, जो आपके कलीग्स हैं, है ना, जिनको आप जानते हैं और जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके, उनको बताइए कि ऐसे ऐसे यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं। इफ यू लाइक द कंटेंट, अगर आपको इफेक्टिव क्लासेस लग रही हैं, यू आर लर्निंग, देन प्लीज आप उनको बताइए, ओके। आपने मार्केट में यूट्यूब कुछ वीडियोज देखे होंगे, ओके, जो अदर यूट्यूबर्स हैं, है ना, तो वो काफी कुछ बोलते रहते हैं मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में, तो मैं कभी रिप्लाई नहीं करता हूँ, ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे रिप्लाई करें, है ना, मेरे स्टूडेंट्स रिप्लाई करें। मैं चाहता हूँ रियलिटी मार्केट में जानी चाहिए, ओके, रियलिटी क्या है वो मार्केट में जानी चाहिए, ओके। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके कलीग्स हैं, है ना, जो जिनको आप जानते हैं, जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये कोर्स रेकमेंड करें, ओके। एंड विद दिस एनर्जी, विद दिस मोटिवेशन, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। एंड आई होप आपको ये क्लास काफी अच्छी लगी होगी। एंड गाइज इसी तरह पढ़ते रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए, और डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा रैंक आने वाला है, ओके, और आपको टॉप का HM मिलने वाला है। और इसी नोट के साथ सबको हैप्पी न्यू ईयर, ओके, सबको हैप्पी न्यू ईयर, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, ओके। नया साल, आप नई आपके एनर्जी आपको मिले, ओके, आपके जो टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, उनको आप पूरा कर पाए, ओके। सो ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो आपको होमवर्क दिया है अल्फाबेट का और क्लासिफिकेशन के, जितने मॉक टेस्ट हैं, आप सभी लगाएंगे, ओके, एंड सी यू ऑन मंडे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।